नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे जहां पे हम 2021 के इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस कर रहे हैं और इसके प्रीवियस हमने बहुत से लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं सो इन दिस लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर सेवन ऑफ वॉल्यूम टू जहाँ पर हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में एग्रीकल्चर के बारे में एग्रीकल्चर से कितना आउटपुट रहा कितना इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा साथ ही साथ कितनी चीज़ों में हम इसमें आगे निकल पाए साथ ही साथ कितनी चीज़ों में इसके साथ हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं साथ ही साथ थ्री फार्म बिल्स जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या है ये क्यों लाए जा रहे हैं इन सब पे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे हमको बताना चाह रहा है ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले तो चलिए जैसा कि हमने एग्रीकल्चर में सबसे पहला पॉइंट पड़ा था इस इकोनॉमिक सर्वे में कि दिस वॉज द ओनली सेक्टर विच इज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ थ्री पॉइंट फाइव परसेंट रेस्ट ऑफ द टू सेक्टर्स डेट इज सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज रिकॉर्डेड अ नेगेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक तो यहाँ पे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बता दूँ हाउ मच पॉपुलेशन और वर्क फोर्स ऑफ आर कंट्री ज स्टिल एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइट सेक्टर एक्टिविटीज मैं उम्मीद करता हूं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में आप जानते हो बेसिकली आर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अब मुद्दा यह है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को किस बिहाफ पर डिफरेंशिएट किया जाता है तो देवर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज राइट ये बहुत ही मिसकनसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स में बहुत बार इकोनॉमी पढ़ने के बाद भी तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से अलग होती है प्राइमरी सेक्टर डेट इज एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में हम सीधे रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से राइट right? और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो वहां पे किसी भी गुड का फिजिकल फॉर्मेट चेंज किया जाता है राइट right? तो एक क्वेश्चन जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक यार्ड में एक एप्पल का यार्ड है राइट right? एप्पल उस एप्पल के यार्ड में से आपने एप्पल तोड़े और एप्पल की ग्रेडिंग करी ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड उनकी ग्रेडिंग करने के बाद आपने उनको पैकेट्स में पैक किया और उस पर एम लगा दी और वो बिल्कुल रेडी है मार्केट में बिकने के लिए आप उनको बस बेचने ही वाले हो तो मुझे बताओ कि ये जो आपने ग्रेडिंग करी ये जो आपने पैकेजिंग करी ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा सेकेंडरी या टर्शरी हाँ अब बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि क्योंकि इसमें पैकेजिंग हो चुकी है क्योंकि इसकी ग्रेडिंग हुई है तो ये सेकेंडरी सेक्टर में ऑफकोर्स आना चाहिए मगर अगेन केमिंग बैक टू द बेसिक्स जस्ट एज वॉट आई एव सैट कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर किस भी हाथ पे डिवाइड होते हैं कि प्राइमरी में किसी भी तरीके का फिजिकल फॉर्मेट चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट का और मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी सेक्टर में होगा तो यहां पे जो हमने अभी ये काम किया है पूरा इस एप्पल पे इट विल बी ओनली अंडर द प्राइमरी सेक्टर ठीक है तो अब जैसा कि हम बात कर रहे थे और क्योंकि इंडिया इज स्टिल कॉल्ड एज एग्रीकल्चरस्ट इकोनॉमी ऐसा क्यों है बिकॉज फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन आर कंट्री इज स्टिल एंगेज इन एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज ये सेंसस है टू थाउजेंड इलेवन का और अगर हम हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें हमारी जी डी पी में

तो यहां पे नियर अबाउट इनकी जो टोटल वर्क फोर्स है वो चार परसेंट वर्क फोर्स है और फोर पॉइंट फाइव परसेंट लगभग इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि यूएस और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो डेवलप्ड नेशन कितना लेस डिपेंडेंट है ऑन द एग्रीकल्चर और हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है बस अगर अब आपने ये चीज़ समझ ली तो आप डब्ल्यू का इशू समझ जाओगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हम पीस क्लॉज में लड़ रहे हैं, राइट पीस क्लॉज ये आपने सुना होगा ये पीस क्लॉज रिलेटेड है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से जिसको आप एओए बोलते हो ये यूपीएससी पूछ चुका है बहुत बार राइट इसको बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स के अंडर अब ये क्या है ये क्यों है इसको तो मैं आपको थोड़ा फ्यूचर में चल के बताऊंगा मगर जैसा कि अभी आपको डाउट आया था ग्रॉस वैल्यू एडिट के लिए तो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं तो देखिए बात करते हैं जीडीपी वर्सेस जीवीए जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है इसको हम कंपैरिजन अगर करके देखें तो ये टोटल वैल्यू होती है अब किसकी टोटल वैल्यू है ये टोटल वैल्यू है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए विद इन अ ईयर और ये ईयर कौन सा लेते हैं हम एक फाइनेंशियल ईयर मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तो अच्छे से आप तक आई गया होगा जीडीपी की डेफिनेशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होती है तो फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं देखो दोस्त मान लेते हैं कि यहां पे एक फार्मर है यहां पे एक बेकर है और यहां पे एक होटल है अब यहां पे मैं ले लेता हूं इनपुट यहां पे आउटपुट और यहां पे देखते हैं कि फार्मर ने लेट सपोजिटली इडली जीरो रुपए का कंट्रीब्यूशन करके हंड्रेड रुपीज का आउटपुट निकाल दिया ठीक है ऑफकोर्स मैं जानता हूं जीरो रुपए का इनपुट लगा के कभी भी हंड्रेड रुपए का आउटपुट नहीं निकाल पाता फार्मर ही और शी ऑल्सो रिक्वायर्ड सर्टेन फर्टिलाईजर सीड्स टू परचेस एंड टू सेल एंड देन ओनली दे दे कैन कैन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस द फूड एंड सेल ओनली आफ्टर इट तो क्योंकि पे ले रहा हूं तो मैं मान लेता हूं हालांकि ऐसा नहीं होता है मगर फिर भी हम एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहे हैं आप ऐसे समझिएगा फिर बेकर ने यही हंड्रेड रुपये की जो वीट है वो फार्मर से खरीद ली और टू हंड्रेड रुपी की ब्रेड बना दी टू हंड्रेड रुपी की ब्रेड होटल वाले ने खरीद के थ्री हंड्रेड रुपी की सैंडविच बना दी हां अब अगर मैं आपसे इस साइकिल में ये पूछूं कि इस पूरी साइकिल की जीडीपी कितनी है तो आपका जवाब आंख बंद करके आप दे सकते हो कि थ्री हंड्रेड जो है वो इसकी जीडीपी है क्यों क्योंकि यही फाइनल गुड बन रहा है इस पूरी साइकिल में तो ठीक बात है अब एक चीज और सोच के देखो आप कि किसी भी साइकिल में अगर हर स्टेज पे कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है राइट right? एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर आप उसको ऐड कर दो तो आखिरी में तो वही वैल्यू आएगी ना जितनी उसकी फाइनल वैल्यू बनेगी प्रोडक्ट की मतलब की फार्मर की अगर मैं वैल्यू एडिशन यहां पे 100 ऐड कर दू बेकर का वैल्यू एडिशन कितना हुआ है इसने हंड्रेड में खरीदी और टू में बेची इसका भी वैल्यू एडिशन हंड्रेड हुआ है वहीं होटल वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है इसने 200 में खरीदी और 300 में बेची इसने भी 100 किया तो यहां पे इन तीनों का अगर मैं सम्मेशन करूं इसको क्या बोला जाता है सम्मेशन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये भी 300 ही आएगा बिल्कुल आएगा और क्या ये आना भी चाहिए था बिल्कुल आना चाहिए था क्योंकि जितना वैल्यू एडिशन हर प्रोडक्ट में हुआ है वही जाके उसकी फाइनल वैल्यू बनेगी तो दोस्तों अब आप इसको ऐसा सोच के देखो कि यही प्रोसेस तो हम अपनी ओवरऑल जीडीपी में भी देख सकते हैं ना देखो जब हम इस तरीके से जीडीपी बता रहे थे कि फाइनल वैल्यू का कितना गुड बना तीन सौ सैंडविच तो हम ये नहीं बता पा रहे थे कि हर स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन हुआ मगर अगर हम ये बताना चाहते हैं कि हर स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन हुआ तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा और बस यही होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड मैथड और ग्रॉस वैल्यू एडेड मैथड के थ्रू अगर हम जाएंगे तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि हमारी ओवरऑल जी में एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा बिल्कुल बता सकते हैं और इसी कारण से ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस तरीके से ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट होती है मैं उम्मीद करता हूं अब आप समझ पाए तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जैसे कि यह जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके साथ में बेसिक कोर और एडवांस लिखा हुआ है जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए वो सब एन को कवर करके थ्रू आर वीडियो लेसन बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से पूरे क्लियर हो जाए आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ देन वी विल मूव अहेड टू द कोर जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं एंड ऑफकोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं दिस इज आर वन ईयर कंप्लीट कॉम्प्रेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो डॉट ओन आई एस डॉट इन पर जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं एंड फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स तो दोस्तों में उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि सेवेंटीन पॉइंट एट परसेंट कैसा है ग्रॉस वैल्यू एडेड और किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन है एट करेंट प्राइसेज अब मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस के बीच में डिफरेंस पता होगा जैसे करंट प्राइसेस जो अभी एट प्रेजेंट मार्केट में चल रहे हैं हम उसको बोलते हैं और कांस्टेंट प्राइसेस जैसा कि हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी में पढ़ा हुआ है रियल जीडीपी को जब हम बेस ईयर से एडजस्ट करते हैं तो वी कॉल इट कॉन्स्टेंट प्राइस राइट तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने देखा कि कैसे इसने रॉबर्ट ग्रोथ रेट अचीव करी हालांकि यहाँ पे कुछ सप्लाई साइड शॉक इस पेंडेमिक और क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण इस सेक्टर को झेलना पड़े थे तो यहां पे हमको फूड में फूड प्राइसेस में एक इन्फ्लेशन देखने को मिला था ये बात हम सब जानते हैं अब यहां पे गवर्नमेंट ने मेजरली अलाइड सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए अंडर आत्मनिर्भर भारत बहुत सारे इनिशेटिवस लिए हैं तो यहां पर आत्मनिर्भर भारत में जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके लिए वो हमारे लिए उन सेक्टर्स को इंपॉर्टेंट बना देता है जैसे एनिमल हजबेंड्री जैसे डेयरी जैसे फिशरीज राइट right? क्योंकि आज जो अलाइट सेक्टर का पोटेंशियल है हम उसको गार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा लैक्यूना फेस करता है हमारी कंट्री में इट इज अबाउट द मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस हम इसको भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इसके सिग्निफिकेंस की मैं बात बताऊं ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक तो आपको इसकी जो क्रूशलिटी है वो समझ में आएगी कितना क्रूशल है यह सेक्टर हमारे लिए क्योंकि जब हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी जिसके थ्रू हमने 80 करोड़ बेनिफिशरीज को एडिशनल फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मैंडेटेड रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा जो कि बताता है 5 के जी पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट राइट 5 के जी पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपसे पूछा जा सकता है आप इसको ध्यान रखिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितनी मैंडेटेड रिक्वायरमेंट है तो यहां पे इसके लिए जो फिजिकल आउटगो हुआ इट वाज नियरली अबाउट सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज इसी के साथ साथ यहां पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू फाइव के पर पर्सन पर मंथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था चार महीने के लिए जिसने आठ करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड नहीं होते हैं, उनको कवर किया यहाँ पे आप जो राशन कार्ड चीज देख पा रहे हो इसके बारे में भी हम आगे चल के चर्चा करने वाले हैं ठीक है थीके? तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताने की कोशिश करूंगा तो चलिए जैसा हमने देखा था कि किस तरीके से फार्म शॉर्टेज या फिर मैं बोलूँ सप्लाई साइड में कुछ शौक लगे थे हमारे यहाँ पे लेबरर्स की कमी हो गई थी तो ये तो कुछ बात हो गई कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी मुद्दा ये है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के किस किस तरीके के अनाउंसमेंट हमारी गवर्नमेंट ने किए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है इसके लिए कितना एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया तो इट इज वन लाख करोड़ रुपीस बेसिकली ये एक आप समझ सकते हो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जहां पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा राइट तो ये जो एक लाख करोड़ रुपए अब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ट्वेंटी लाख करोड़ रुपीज का जो स्टीमलेस पैकेज था इसमें से एक लाख करोड़ तो इसी का हो गया इसी के साथ अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो जवाब होगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डेट मीन द होल कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एग्जैक्टली सेंटर इसी के साथ इसके अगर की पॉइंट्स पर हम थोड़ा सा देखने की चर्चा करें तो इसके थ्रू मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है राइट right? ये मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ठीक है फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए कम्युनिटी फार्मेटिंग फार्मिंग असेट्स आपको डेवलप करने इन सब चीजों के लिए इसी के साथ साथ अब इसमें आता क्या है अगर मैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा हूं तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो इसमें जो हमारी कंट्री में सबसे बड़ा लैक्यूना है आज वो क्या है कोल्ड चेन्स का वेरी गुड इसके बाद क्या मैं वेयर हाउस बोल सकता हूं बिल्कुल बोल सकता हूं तो ये जो वेयर हाउसेज हैं राइट कोल्ड चेन्स हैं पैकेजिंग यूनिट्स हो सकती हैं इन सब चीजों को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा इसी के साथ साथ ये जो एक लाख करोड़ रुपए हैं ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको ये पता होना चाहिए ऑफकोर्स ये बैंक ये जितने हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा किसको किया जाएगा मतलब बेनिफिशरी जो है किसको टारगेट किया जा रहा है यहां पे तो वो है फार्मर प्रोड्यूस और प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रायोरिटी बेसिस पे राइट फिर एक जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप भी होता है आपको पता होगा मैं उम्मीद करता हूँ जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे ही काम करता है ठीक है अब ये जो लोन डिसवर्स कर रहे हैं इसमें आप ये चीज ध्यान रखना कि ये चार साल में पूरा लोन डिसबर्स करेंगे इन फोर इयर्स जिसका सेंक्शन अमाउंट होगा दस हजार करोड़ रुपए करंट ईयर में और फिर अगले तीन फाइनेंशियल ईयर में तीस तीस हजार करोड़ रुपए होगा तो ये एक लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे चार साल में राइट right? फिर इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का भी प्रोविजन रखा गया है जिसमें तीन परसेंट पर एनम का मतलब कि दो करोड़ रुपए तक का सबवेंशन जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा और इंटरेस्ट सबवेंशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होता है तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के या फंड के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में ये फ़ंड था चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेन थाउजेंड करोड़ रुपीस की स्कीम ला आए हैं फॉर हम माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हम जानते हैं माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे साथ ही साथ इनके रेगुलेशन के लिए हमने एफ बनाई हुई है अब यहाँ पे माइट बी पॉसिबल आपसे एफ के बारे में कुछ पूछ लें तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसका सबसे पहले तो फूड फुल फॉर्म देख लेते हैं हम तो एफ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब सवाल ये आता है कि ये कौन सी बॉडी है तो मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी बनी है एक्ट से तो बस जो भी बॉडी एक्ट से बनती है वो स्टेचुररी बॉडी बन जाती है तो ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो है दिल्ली में अब यहाँ पे इसकी जो की प्रोसेसेस होती हैं ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करता है फूड प्रैक्टिसेस डेवलप करता है फूड बिज़नेसेस को लाइसेंस देने का काम करता है ट्रेनिंग इन सब पे ये काम करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे इसके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करना चाहें थोड़ी सी तो इस एक्ट के थ्रू एफ एस एस ए आई एंड स्टेट फूड स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी ये बनाई गई है हर स्टेट में राइट तो जहाँ पे फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड सारे मैटर आके सबसे पहले एड्रेस होते हैं तो ये कुछ चीज़ें थी और हाल फिलहाल में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशन से वो 2011 के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं इस पर तो मेरे हिसाब से ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इट विल बी मोर देन सफिशेंट फॉर यू फिर अगली इंपॉर्टेंट स्कीम हमारे सामने जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अब मत्स्य से ही समझ में आ रहा है कि ये फिशरीज के लिए होगी तो एक चीज़ तो हमारे लिए आसान हो गई अब ये फ्लैगशिप स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की जो फिशरीज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लाई गई है यहाँ पे बेसिकली इसके अगर हम एम की बात करें दोस्तों तो आप ध्यान रखना कि ये क्लस्टर या एरिया बेस्ड अप्रोच पे हमने लाने की कोशिश की है राइट हम यहाँ पे क्लस्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इस स्कीम का जो मेन फोकस है इट इज़ ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से या फिर मैं बोलूँ हमारे फार्मर्स के लिए एक एड ऑन इनकम जनरेट कर पाए कोई सेक्टर इसको डेवलप हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके टारगेट्स अगर हम देखना चाहें तो वो बहुत ही अपीलिंग है जैसे हम फिश प्रोडक्शन को 70 लाख टन से बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हमारी फिशरीज के एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है उसको एक लाख करोड़ करना है हमें ये हमने टारगेट लिया है ये आप ध्यान रख सकते हो ठीक है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बराबर का हमें अपना एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ाना है ऐसा भी याद रख सकते हो तो एक लाख करोड़ रुपए अब कब तक करना है ये भी पूछ सकते हैं तो 2024 25 तक करना है क्लियर और जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मर्स की इनकम हमको 2022 तक डबल करनी थी तो हमने फ़िशर्स और फिश फार्मर्स की भी इनकम को डबल करने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिया है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं उसको कम करने का हमने टारगेट लिया है इसमें अप टू टेन परसेंट मतलब जो अभी पच्चीस परसेंट के करीब होता है उसको हम कम कर देंगे दस परसेंट इसी के साथ साथ अगर इसका इन्वेस्टमेंट देखें तो ये पाँच साल में होना है जो बीस हज़ार करोड़ रुपये है ये पाँच साल में इन्वेस्ट होगा अप टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तक तो ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आपको मैं बताऊं फिशरीज सेक्टर में तो तो यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड कर रहा है और इससे जुड़ी हुई कोई भी जो सब कॉम्पोनेंट्स हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मतलब उसमें खर्चा करेंगी इसी के साथ कुछ और भी इनोग्रेशन करें एनिमल हस्बेंड्री जैसे ई गोपाला ऐप निकाला ये आपसे पूछ सकते हैं राइट बेसिकली एक ब्रीड इंप्रूवमेंट का पोर्टल है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ नाम से भी काम चल जाएगा ई गोपाल ऐप फिर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में हमने जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्टैब्लिश किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी सीमेंट स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं उसको हम लोग कंजर्व कर पाए और डेवलप कर पाए राइट तो ये कुछ बात थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए फिर इसके बाद में नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर हाँ इसके थ्रू हम 100 परसेंट वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे हमारी कैटल पॉपुलेशन बफेलो शीप गोट पिक पॉपुलेशन इसमें फूट एंड माउथ डिजीज के अगेंस्ट फिर एक आया है जैसा हमने देखा था कि सेक्टर को बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस दिया हुआ है तो एनिमल हजबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फंड कितना है पंद्रह हज़ार करोड़ का डेयरी प्रोसेसिंग इसमें जो वैल्यूडेशन होता है कैटल फीड को इम्प्रूव करना इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सब काम करेंगे अगली इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो है टॉप से हम बदल चुके हैं अब टोटल पे टॉप क्या होता था टोमेटो अनियन और पोटेटो राइट ये ऑपरेशन ग्रीन के थ्रू चलाया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चलाती थी अब इस टॉप को चेंज करके कर दिया गया है टोटल इसमें टोमेटो अनियन और पोटेटो तो स्टैटिक है अभी भी इसमें ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर दिए गए ठीक है इसके बाद में तीन फार्म बिल्स जो आए हैं जिसको हम आगे भी चल के देखने वाले जैसे इसेंशल कमोडिटीज एक्ट में रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है थ्रू एपीएमसी उसमें यहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस तो बेसिकली लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाई है हमारी सरकार ताकि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं जैसे सीरियल्स पल्सेस ऑयल सीड्स इसमें होता क्या था दोस्तों कि इसेंशल कमोडिटीज़ एक्ट का बहाना करके हमारे फार्मर्स का प्रॉफिट रोक लिया जाता था क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर नहीं पाते थे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे क्यों क्योंकि हमारे कंट्री में उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होना चाहिए तो इन इसेंशियल कम्योडिटीज़ एक्ट के थ्रू इन पे ये कंस्टेंट रहता था मगर अब वो कंस्टेंट हट जाएगा तो अब उनको जहाँ पे सबसे अच्छा प्राइस मिलेगा वो वहाँ पे बेच पाएंगे तो इसी कारण से हमारी सरकार ने इसको, इसको इसेंशल कम्योनिटीज़ एक्ट से हटा दिया और ऐसा माना जा रहा है कि इट विल बी इट विल ब्रिंग अ मेजर रिफॉर्म इन आर एग्रीकल्चर सेक्टर उसके बाद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस स्कीम के थ्रू हमने फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की थी अराउंड 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक यहाँ पे हमने क्या किया था दोस्तों कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर होते हैं उनको भी हमने एडिशनल फाइव के फूड ग्रेन फ्री में प्रोवाइड किए थे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली अगर हम यहां पे जानने की कोशिश करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्कीम के तो यह हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो पाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि यहां पे जितने भी एग्जिस्टिंग राशन कार्ड होल्डर्स हैं इनको वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ दिया जाएगा अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि जैसे जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं राइट right? इन फेयर प्राइस शॉप से एक राशन कार्ड होल्डर जाके फूड परचेस कर सकता है अब प्रॉब्लम ये आती थी कि अभी तक ये फेयर प्राइस शॉप जो है ये फिक्स हुआ करती थी कि इस राशन कार्ड होल्डर को एक ही फेयर प्राइस शॉप जो उसके नियर बाय एरिया में है वहां से जाके फूड ग्रेन को प्रोक्योर करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम ये होती थी अगर ये राशन कार्ड होल्डर फॉर एग्जाम्पल ये बिलोंग करता है अभी एम से और ये माइग्रेट हो जाता है टूवर्ड्स यूपी तो यहाँ की फेयर प्राइस शॉप पे जाके ये अपना फूड ग्रेन अवेल नहीं कर पाता था मगर अब क्योंकि ये पैन इंडिया में हमने पोर्टेबिलिटी देने की कोशिश की है तो अब ये व्यक्ति कहीं भी माइग्रेट कर जाए इसको इसका फूड ग्रेन मिल जाएगा इसीलिए इसको यूनिवर्सल राशन कार्ड बोला गया है जो कि इन हर बेनिफिशियरी को अलॉट किया जाएगा अब यहां पे जो बेनिफिशियरी होगा उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा तो हम यहां पे साइंस एंड टेक का यूज कर रहे हैं हम यहां पे यूज करेंगे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और साथ ही साथ इसका ऑथेंटिकेशन हम लोग चेक करेंगे बाई पीओ एस आपसे पूछ सकते हैं राइट इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस ये डिवाइस हर फेयर प्राइस शॉप पे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा रहेगा कि किस व्यक्ति को कितना फूड ग्रेन मिला है अब यहां पे ये जो नेशनल पोर्टेबिलिटी है ये किस तरीके से काम करेगा बेसिकली इसमें आपको ये जानना चाहिए कि एक आई एम डी एस डेट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यह टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है राइट right. इसके बाद एक अन्य वितरण पोर्टल बनाएंगे हम अन्य वितरण पोर्टल इट विल होल्ड द डाटा ऑफ द फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने पीओएस डिवाइस से एक स्टेट में किया है और साथ ही साथ यहां पे जो आधार कार्ड है इसको भी सीट किया जाएगा राशन कार्ड्स के साथ में ताकि जो राशन ले रहा है बेनिफिशियरी उसको मार्कआउट किया जा सके इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स तो बिल्कुल क्लियर ही होने चाहिए आपको जैसे रिफॉर्म लाना फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप मान सकते हो राइट right? इसके बाद एक्सेस अब ये एक्सेस किसके रिस्पेक्ट में है बेनिफिशियरी एक्सेस कर पाए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेशन सारे इंडियन स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दे तो यहां पे आखिरी में इसको अगर आप कंक्लूड करोगे अपने आंसर में तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा जो गोल टू है डेट इज एंडिंग हंगर जो कि हमने करने का ऑब्जेक्टिव लिया है बाय 2030, इसको हम अचीव कर सकते हैं राइट इसी के साथ साथ यहां पे आप मेंशन कर सकते हो अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें हम रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी थी उसके बाद में लेट्स हैव अ लुक ऑन द ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें एग्रीकल्चर में तो इसका डाटा हमको सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस देता है जहाँ पे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर हम करेंट प्राइसेस पे देखें तो इट इज़ सेवेंटीन पॉइंट एट परसेंट जो कि बहुत अच्छा है और ये हम देख भी सकते हैं यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर अलाइट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है राइट कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है हमारी कंट्री में क्या वो बड़ा है या वो डिक्लाइन हुआ है तो उसका जवाब ये है कि वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम एटीन जो कि टू थाउजेंड में हुआ करता था टू सेवनटीन इन ट्वेंटी नाइनटीन मतलब कि यहां पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो नॉन एग्रीकल्चरल हमारे यहां पे सेक्टर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में ऑलरेडी इट इज सफरिंग फ्रॉम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक फार्म है राइट right? इस फार्म में अगर सिर्फ दो लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं मगर हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक फार्म में भले वो कितनी भी लैंड हो उस पर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है फार्मर की तो उस फैमिली में मान लेता हूँ कि पाँच लोग हैं तो अब वो काम मतलब कि इस लैंड की देखभाल करना सोइंग हार्वेस्टिंग इरीगेशन इन सब के लिए दो लोग काफ़ी थे मगर यहाँ पे पूरी फैमिली क्योंकि इस लैंड पे डिपेंडेंट होती है तो यहाँ पे पांच लोग इस लैंड को लुक आफ्टर करते हैं तो यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि हमें लगता तो है कि पांचों लोग यहां पे एम्प्लॉयड है मगर यहां पे सिर्फ दो ही लोग एम्प्लॉयड हैं और बाकी के जो तीन लोग हैं जो हमें काम करते हुए तो दिख रहे हैं बट दे आर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड तो इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है डिजगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में प्रीडोमिनेट है हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे ये यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने यहाँ पे जॉट डाउन करा यहां पे अगर हम शेयर ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो ये भी गिरा है फ्रॉम इलेवन पॉइंट टू परसेंट नाइन पॉइंट फोर परसेंट यहाँ पे हम इसको और अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे शेयर ऑफ क्रॉप्स आप देख पा रहे हो 2014-15 से 2018-19 एटीन नाइनटीन जो आपको लगातार दिखता हुआ गिरता हुआ दिख रहा है लाइव स्टॉक जो कि एक अल्टरनेटिव इनकम क्रिएट करता है हमारे फार्मर्स के लिए ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है फॉरेस्ट्री और लॉगिंग हाँ बहुत ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आया बट देन टू इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम टू थाउजेंड और अगेन जो फिशिंग और एक्वाकल्चर है जो अगेन एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है फार्मर्स को ये हमें बढ़ता हुआ दिखा है दो वेरी मिनिमल लेवल बट देन टू तो ये यहाँ पे शेयर ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स इन टोटल जीवीए हमको जानना जरूरी था फिर किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ रही है अलाइड सेक्टर्स की हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको बाद में हम वापस नहीं देखेंगे मगर हाँ अब हम यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को जरूर देखना चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीवीए हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना बड़ा तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिला है क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है जैसा आप देख सकते हो 2014-15 फोरटीन फिफ्टीन से थर्टीन फोर्टीन से ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे रहा फिर ये वापस यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड पे आया है तो अगर हम फिफ्टीन सिक्सटीन से यहाँ पे बात करें तो हम ज़रूर बोल सकते हैं कि इन प्रपोर्शन टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन का शेयर है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में वो बड़ा है इसके बाद में एज वी आर द एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी एंड सो इट वेरी वेल डिफाइन आर इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को मेजर कर लें तो अगर ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी के प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पर टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो रहा इट इज नियर अबाउट आप ऐसा याद रख सकते हो क्योंकि राउंड फिगर में थ्री हंड्रेड मिलियन टन्स का बट टू बी वेरी स्पेसिफिक इट वॉज एस्टिमेटेड टू बी टू नाइनटी सिक्स मिलियन टन्स जो कि ग्यारह मिलियन टन ज़्यादा रहा फ्रॉम 285 मिलियन टन से जो कि हमने 2018-19 में अचीव किया था तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है राइट जिस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने ग्राफ के थ्रू शो केस है अगेन हम इस पर ग्राफ पे नहीं पढ़ेंगे अगर हम अदर मेजर क्रॉप्स की बात करें जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्वान्टिटी मिलियन टन्स तो यहाँ पे जैसे कि आप ये वाला जो है ये क्या है कोर्स सीरियल जो होते हैं हमारे राइट फिर इसके बाद में जो ग्रीन वाला है ये पल्सेस है आपका ये ऑयल सीड्स है और ये कॉटन है राइट तो अगर ट्रेंड देखने की कोशिश करोगे आप तो जैसे कॉटन में आप देख पा रहे हो यहां से यहां बढ़ा मतलब 15, 16 से 16, 17 में बढ़ा 17, 18 में फिर बिल्कुल बराबर आ गया फिर कम हो गया और फिर बढ़ गया तो इसमें कोई ट्रेंड आपसे पूछ नहीं सकते राइट वैसे ही न्यूट्रिशन और कोर सीर में अगर आप देखोगे तो भी ये कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा है बढ़ रहा है यहां तक फिर यहां पे कम हो गया देखो यहां से बढ़ रहा है यहां तक फिर यहां पे कम हो गया फिर यहां पे बढ़ गया तो ये भी आपसे नहीं पूछ सकते राइट हां अगर आप ऑयल सीड्स को ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है यहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यहां पे भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसका अगर ग्राफ बना, बनाएंगे हम तो ये लगभग कुछ ऐसा बनेगा राइट तो इसमें भी कोई पर्टिकुलर ट्रेंड हमको नहीं देखने को मिला पल्सेस ठीक है ऑयल सीड्स की अगर बात करें तो यहां पे भी बिल्कुल आपको वैसी दिखेगा तो यहां पे किसी भी क्रॉप का आपसे ट्रेंड नहीं पूछा जा सकता है एक्सेप्ट ऑयल सीड्स तो ऑयल सीड का आप ध्यान रखना कि लगभग हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है बाकी सब में कम और ज्यादा होता हुआ दिख रहा है तो यहां पे ट्रेंड कोई नहीं बन रहा है फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट जैसा कि हम ये ऑलरेडी देख भी चुके हैं हालांकि कि सिर्फ यही सेक्टर था जहां पे इस पेंडेमिक के दौरान जो एग्री जो क्रेडिट रहा वो बड़ा है राइट तो क्योंकि वो होना भी चाहिए क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है वहां पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हमारे यहाँ ज़्यादा हैं अगर हम लोग यहाँ पे डाटा की बात करें तो हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली एट्टी परसेंट फार्मर्स जो हैं दे हैव लेस देन वन हेक्टेयर ऑफ लैंड राइट तो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी पे ये लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं इनफॉर्मल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे राइट right? जो कि क्यूमलेटिव इंटरेस्ट के कारण इनको कई बार अपनी लैंड भी लूज करनी पड़ती है और बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है राइट right? तो इन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट की फैसिलिटी हमारी नाबार्ड हो या हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो ये कोशिश करती है इनको देने की इसी के साथ साथ यहाँ पे हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है वो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती है इन लोगों के लिए राइट कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती है इन लोगों को क्रेडिट इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखें कि जो अवेलेबिलिटी रही क्रेडिट की फॉर पर्टिकुलरली फार्मिंग एक्टिविटीज तो ये जो टारगेट था हमारा 2019-20 का डेट इज थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड करोड़ रुपीस इसमें हमने इससे ज्यादा अचीव कर लिया हमने डिसबर्स कर दिया थर्टीन लाख नाइन्टी टू थाउजेंड करोड़ रुपीस तो ये एक अच्छी बात थी ठीक है और 2020-21 के लिए तो हमने और भी ज्यादा टारगेट रखा हुआ है नियर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन लाख करोड़ रुपीज़ का तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो अनाउंस किया है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान इसको तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहां पे जो एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर क्रेडिट का उसमें एक प्रॉब्लम है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें यह देखा गया है कि नॉर्थ और साउथ सदर्न रीजन में एक डिवीजन है और शेयर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो तो सबसे ही कम है मतलब सबसे ज्यादा क्रेडिट कहा मिल रहा है देखो आप यहां पे अगर देखोगे शेयर तो अबव सेवन में आप देख पा रहे हो यहां पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दिख रहा है राइट इसके बाद में फाइव सेवन पॉइंट फाइव अगर आप देखोगे तो बाकी के यहां पे रीजन आपको दिख रहे हैं ठीक है मगर जीरो से जीरो पॉइंट थ्री परसेंट का शेयर देखोगे तो आपको सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिख रहे होंगे तो यहां पे क्लियरली डिवाइड बता रहा है और जैसे जम्मू काश्मीर का भी आप देख पा रहे हो राइट तो यहां पे आपको क्लियर डिवाइड दिख रहा है सबसे पहले तो नॉर्दर्न और सदर्न रीजन में और उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे कम तो ये चीज आपसे किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है जो कि आपको ध्यान रखनी है अगर हम ट्वेंटी 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 वन के टोटल डिसबर्समेंट की बात करें एज ऑन थर्टी नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तो यहाँ पे जो सदर्न रीजन में डिसबर्समेंट रहा है एक मतलब कि एग्रीकल्चर क्रेडिट रहा है वो फोर्टी परसेंट ज्यादा रहा है बजाय कि नॉर्दर्न रीजन के वहीं दो परसेंट इन एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब कि दो परसेंट से भी कम रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी हमने ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करी राइट right? तो माइट बी पॉसिबल क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इतना कम शेयर हम लगातार देख रहे हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है तो इसके दो कारण बताए गए सबसे पहला लो कवरेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इस कारण से कम है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ टू ऑफ ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया है हमारी कंट्री का मतलब सिर्फ ढाई परसेंट एरिया है तो ऑफ़कोर्स क्रेडिट भी कम होगा दूसरा ये है रीजन रीज़न कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो लैंड की ओनरशिप होती है वो कम्युनिटी उसको ओन करती है राइट अब अगर उस लैंड को कोई कम्युनिटी ओन करेगी तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन नहीं मिल पाएगा क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड में लोन लैंड डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट लोन मिलता है तो यहां पे हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम थोड़ी सी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर लें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहला पार्ट ये इंट्रोड्यूस कब हुआ तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1998। ये एक मॉडल स्कीम थी जिसको प्रिपेयर किया था नाबार्ड ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की उनको बहुत ईज मैनर में फार्मर्स को अवेल करवाया जा सके फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके तो इसका जो पर्टिकुलर एम था वो था कि प्रोसीजर्स जो थी रिगार्डिंग लोन डिसबर्समेंट उसको ईज किया जाए फार्मर्स के लिए सबसे प्रोमिनेंट एम ये था इसके बाद में क्योंकि ये लोन या फिर जो क्रेडिट है वो ईज किया जाएगा फार्मर्स के लिए तो फार्मर्स जो इनपुट्स परचेस करते हैं जैसे सीड्स जैसे फर्टिलाइजर वो ये लोग आसानी से परचेस कर पाएंगे इसी के साथ साथ ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस को भी इनपुट के अलावा मतलब आप ऐसा ना समझ लो ये इनपुट के अलावा पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जो है उसको भी कवर करता है इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है कमर्शियल बैंक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स ये जो केसी स्कीम्स है इसमें फार्मर्स को हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किए जाते इंटरेस्ट रेट जनरली इसमें जाते हैं दो से चार परसेंट टू टू फोर परसेंट तो अगर इतने कम इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स लोन अवेल करता है तो वो पे भी कर पाता है फिर अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो यहां पे तीन लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो जाता है और इस स्कीम के साथ साथ ए टी एम इनेबल्ड रुपए कार्ड भी फार्मर्स को मिलते हैं राइट right? इसमें अब जैसा मैंने बताया आपको एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं की जाती लोन के लिए अंडर के और साथ ही कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन एक लाख से वन पॉइंट सिक्स लाख और अब तो तीन लाख तक इसमें दिया जाता है इसी के साथ साथ यहाँ पे ये यह जो इंटरेस्ट रेट है इसके साथ साथ एक चीज़ और इनको मिलती है डेट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम राइट ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के थ्रू जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स होते हैं अप टू तीन लाख रुपए वो इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं सेवन परसेंट फार्मर को राइट right? जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स दो परसेंट का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है अगर टाइमली रीपे करते हैं तो इस पॉलिसी को लाया गया था टू थाउजेंड सिक्स सेवन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है ये इंप्लीमेंट कौन करवाता है ये इंप्लीमेंट करवाता है नाबार्ड और नाबार्ड से कौन करवाता है वो करवाती है आर बी आई ये कुछ चीज़ें के सी सी के बारे में हमको पता होनी चाहिए इसके बाद में दोस्तों कुछ इंटरनेशनल जो ट्रेंड होते हैं ट्रेड में एग्रीकल्चर कमोनिटीज़ में ये भी हमसे पूछे जाते हैं तो ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी का ये ट्रेंड रहा है कि जो हमने एग्रीकल्चर अलाइड एक्सपोर्ट्स करे हैं इट वॉज नियरली अमाउंटेड टू अप्रोसीटली टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू थाउजेंड करोड़ रुपीज़ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमसे पूछी जाती हैं इसमें यूएसए सबसे फर्स्ट रैंक पे है सेकंड इज़ सऊदी अरेबिया एंड थर्ड इज़ ईरान अगर हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा नेपाल है जहां पे हमने एक्सपोर्ट की है और उसके बाद बांग्लादेश द टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट जो है इंडिया से वो मरीन प्रोडक्ट्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है और मरीन प्रोडक्ट्स के बाद में हमारा आता है बासमती राइस उसके बाद बफेलो मीट स्पाइसेस एंड नॉन बासमती राइस ये आपको चार पांच चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है ये आपसे पूछी जा सकती हैं और अगर आपसे मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पे इसको ज़रूर कोर्ट कर सकते हैं कि 2.5 परसेंट ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड में हमारा इतना प्रपोर्शन है 2.5 परसेंट ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर में तो नाइनटीन के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से ही इंडिया जो है वो नेक्ट एक्सपोर्टर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और अलाइड सेक्टर्स का जो एक्सपोर्ट है वो अब लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए तक हो चुका है और इंपोर्ट जो हम करते हैं वो है 1.47 लाख करोड़ खैर क्वेश्चन यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे मरीन प्रोडक्ट से ही आएगा क्योंकि हम ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं इसके बाद शेयर ऑफ बासमती राइस का आ सकता है कि एक्सपोर्ट वैल्यू का हम सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है ट्रेंड में तो बासमती राइस हो जाएगा इसी के साथ साथ डिक्लाइन किस में देखने को मिला है तो बफेलो मीट रॉ कॉटन ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हम करते थे इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है राइट यही चीज आपको ग्राफ से शोकेस करने की कोशिश की जा रही है हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे राइट इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता ही क्या है क्योंकि दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फार्म बिल्स में प्रोटेस्ट चल रहा है वो सिर्फ इसी इशू पे चल रहा है कि अगर गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लॉ एक कानून बना दे कि ये मिलता रहेगा तो वी विल एंड द प्रोटेस्ट तो यहाँ पे इसको समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये वो मिनिमम प्राइस है जो फार्मर्स को गवर्नमेंट देगी फॉर एनी क्रॉप जो गवर्नमेंट ने कंसिडर करी हुई है पहले से और बताया हुआ है किसानों को कि जो भी ये उगाएगा उसको हम न्यूनतम सपोर्ट इतना प्राइस देंगे राइट right? तो यहां पे गवर्नमेंट इस क्रॉप को परचेज करती है ये हमने समझा और किसानों को मिनिमम प्राइस दी जाती है कुछ क्रॉप्स के लिए उन क्रॉप्स को भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मगर पहले इसके थोड़े ओवरव्यू हम ले लेते हैं राइट right? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए जैसे एमएसपी कौन फिक्स करता है कि कितना न्यूनतम सपोर्ट हम किसानों को देंगे इस क्रॉप के लिए तो उसका जवाब है सी राइट सी इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यही रिकमेंड करती है एम एस पी फॉर ट्वेंटी टू क्रॉप्स अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कहीं कहीं पे आप लिखा हुआ देखोगे कि ये जो क्रॉप्स होती हैं ये तो ट्वेंटी फोर होती हैं इसका भी एक रेलिवेंस है ये मैं भी आपको बताता हूँ मगर आपको ध्यान ये रखना है कि सी ए सी पी फिक्स ज़रूर कर देती है मगर इस पर जो फाइनल मोहर लगती है वो लगाती है सी सी ई ए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट की कमेटी है इसका फुल फॉर्म भी यही है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अभी इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों क्योंकि इसको खुद हमारे भावी प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं राइट इसी के साथ साथ आपसे यह पूछा जा सकता है कि सीएसीपी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है यह भी हमको पता होना चाहिए तो ये आती है अफकोर्स ये बातें आना भी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है सीएसई पी कब बनी 1965 में ये एडवाइजरी बॉडी है जिसकी रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो नॉन बाइंडिंग होती हैं इसी कारण से तो सीसी -E का रोल आता है वरना अगर बाइंडिंग होती है तो सीसीए -E का रोल ही क्या आता राइट right? तो रिकमेंडेशंस वॉर नॉट बाइंडिंग ये आपको ध्यान रखना है अब जैसा मैं बता रहा था कि 22 क्रॉप्स अभी हम लेके चलते हैं मैं आपको बताता हूं 24 क्यों बोला जाता है तो इन 22 क्रॉप्स में जो प्रपोर्शन होता है वो होता है 14 क्रॉप्स रहती हैं इसमें खरीफ 6 क्रॉप रहती हैं इसमें राबी वहीं जो दो क्रॉप रहती हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स रहती हैं तो अब आपको उसका मैं जवाब दे देता हूं कि कई जगह आपको ट्वेंटी फोर लिखा हुआ क्यों दिखता है क्योंकि दोस्तों हमारे यहां पे जो दो क्रॉप है डेट इज पहली कोपरा और दूसरी डी कोकोनट राइट ये कोपरा और ये डी कोकोनट जो है सॉरी तोरिया है ये एक्चुअली में ये यहां पे तोरिया है राइट ये तोरिया और ये डी हजड कोकोनट जो है इसकी जो प्राइसिंग है ना ये मस्टर्ड और कोपरा पे बेस्ड होती है राइट इसकी प्राइसिंग मस्टर्ड से लिंक रहती है इसकी प्राइस कोपरा से लिंक रहती है और ये ऑलरेडी इस 22 क्रॉप के पार्ट रहते हैं मतलब जैसे जैसे इनके भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे तोरिया और डी कोकोनट के भाव ऊपर नीचे होंगे बिल्कुल इनके जैसे तो इसी कारण से कई जगह आपको 24 लिखा हुआ मिलता है और कई जगह आपको 22 तो जो व्यक्ति 24 बोलता है वो मान के चलता है कि तोरिया और डी कोकोनट अलग है और इनको अलग से लिखता है और जो व्यक्ति मान लेता है कि ट्वेंटी टू क्रॉप में ही ये इंक्लूडेड है क्योंकि ये तो मस्टर्ड और कोपरा जैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो इसी में मान लिए तो वो ट्वेंटी टू बोल देता है राइट तो यहाँ पे अब लिस्ट ऑफ़ क्रॉप्स जो होती है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा मगर हाँ आप इन लिस्ट ऑफ़ क्रॉप्स को क्या करोगे ये मैं आपको होमवर्क जरूर दे सकता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिस्टेड क्रॉप्स को आप डिवाइड कर लेना सीरियल्स में इस सीरियल्स क्रॉप में आपको लगभग कुछ सात से आठ क्रॉप देखने को मिलेंगे फिर आप पल्सेस में मार्कआउट करना जैसे मूंग उड़द इसमें आपको करीब पाँच पल्सेस देखने को मिलेंगी ऑयल सीड्स जो हैं वो आप मार्क करना इसमें आपको आठ ऑयल सीड्स देखने को मिलेंगी राइट और ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका एक जो कन्फ्यूजन आएगा वो आएगा रिगार्डिंग टू शुगर केन तो शुगर केन पे एमएसपी नहीं दी जाती है हाँ एम जैसा एक मैकेनिज्म है वहां पे जिसको बोला जाता है फेयर एंड रिम्यूनोरेटिव प्राइस ये फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइस दिया जाता है फार्मर्स को बाय द मैन्युफैक्चरर्स और मैन्युफैक्चरर्स को इन दी एंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है तो आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी थी रिगार्डिंग एमएसपी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एग्जाम में हमसे बिल्कुल पूछी जा सकती है और साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ फार्मूला जैसे आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है राइट स्वामीनाथन कमिटी ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया था वो तीन पैरामीटर पे दोस्तों बनाया था एक था ए टू दूसरा था ए टू प्लस एफ एल और तीसरा था सी टू अब ये ए टू ए टू प्लस एफ एल और सी टू क्या है बेसिकली ए टू की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम जानते हैं कि फार्मर किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करता है बिल्कुल ठीक बात है जैसे सीड्स हो गए राइट जैसे फर्टिलाइज़र हो गए जैसे कोई फ्यूल ईंधन खर्च कर रहा है जैसे इरिगेशन फैसिलिटी यूज कर रहा है इन सब के लिए उसको खर्च करना पड़ता है तो ये तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकता हूं ना मैं तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट ले लेते हैं हम ठीक है अब प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ में उसकी फैमिली लेबर भी अगर मैं ऐड कर दूं राइट right? क्योंकि जैसा हम जानते हैं ना कि ए टू में तो क्या चीज़ें आ गई जो उसने खर्च करी मतलब उसका खर्चा ही हो गया उतना तो प्लस इसमें फैमिली लेबर ऐड हो जाती है क्योंकि उसने श्रम भी तो करा ना तो वो श्रम आपको लगता है कि नहीं कि आपको देना चाहिए उसको देना चाहिए इसी के साथ साथ जो सी टू वाला फैक्टर है ये क्या दिखाता है कि जैसे किसान ने उस क्रॉप को उगाने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करा इसका मतलब अगर वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता तो हो सकता है उसको उसका कुछ रेंटल मिलता राइट मतलब जैसे अपनी ज़मीन अगर उसने एक क्रॉप को उगाने में लगाई है तो अगर वो नहीं उगाता और किसी को देता तो उसका रेंटल मिलता प्लस उसने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करा है अपने पास से कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए उस पर क्यों क्योंकि अगर वो पैसा किसी और को उधार देता तो उसका कुछ इंटरेस्ट जमा कर ले पाता मगर उसने फूड क्रॉप उगा उगाने का सोचा तो हमारे यहां पे यह बोला गया था स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट में कि इस सी के हिसाब से फार्मर्स को आपको एमएसपी देना चाहिए मगर हमारी जो सरकार है जो क्लेम करती है कि हम वन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे किसानों को देते हैं तो वो एक्चुअल में ए टू प्लस एफ के थ्रू पैसा देते हैं हम मतलब इससे कंपेयर करके जबकि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट बोलती है कि आपको C2 के हिसाब से हमारे फार्मर्स को पैसा देना चाहिए तो यहां पे यह भी एक कंट्रोवर्सी है जो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ठीक है इसी के साथ मैं आपको एक नाम और बना, बताना चाहता हूं बाय द नेम शांता कुमार कमिटी इस शांता कुमार कमिटी ने दोस्तों हमको यह बताया ओनली सिक्स परसेंट ऑफ फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एमएसपी ओनली सिक्स परसेंट ऑफ फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड इसी रिपोर्ट का सहारा लेके गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि एम जो छोटे किसान हैं उनको उनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है इस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इन फार्मर्स को नहीं करना चाहिए और जो एक कर रहा है ये मेनली मिडिल मैन कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें एम एस से जुड़ी हुई हैं जो बहुत ही क्रूशल बनाती हैं इस टॉपिक को चलिए फिर हम कुछ ट्रेंड की बात करते हैं कि एम कैसा रहा खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप में सबसे पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप तो गवर्नमेंट ने खरीफ क्रॉप में एमएसपी इंक्रीज करा था हाइएस्ट इंक्रीज था ये एमएसपी में अगर हम निगर सीड की बात करें तो फॉलोड बाय सेसमम एंड उड़द क्योंकि अभी एमएसपी बहुत हॉट टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए कि एम जो खरीफ क्रॉप पे सरकार दे रही है उसमें सबसे ज्यादा एमएसपी किसके लिए अनाउंस किया गया है तो निगर सीड सेसम और उड़द ये तीन आप याद रख सकते हो राइट इसके बाद अगर एमएसपी ऑफ राबी क्रॉप की हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी एमएसपी एस पी यहाँ पर सरकार ने अनाउंस करी है इसकी भी हम मेजरली जो हाईएस्ट तीन है वो हम देख लेते हैं जैसे लेंटिल फॉलोड बाय ग्राम रेपसीड एंड मस्टर्ड ये चार आप इस अकॉर्डिंग से अगर पढ़ लोगे तो आई थिंक इट कैन बेनिफिट यू इन द प्रिलियम्स इसके बाद दोस्तों अगर हम क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस, इस स्कीम के तहत जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जनरली वो ये है इसकी प्रीमियम के बारे में विच इज़ टू परसेंट फॉर खरीफ क्रॉप 1.5 परसेंट फॉर राबी क्रॉप एंड 5 परसेंट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप राइट तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म यु, प्रीमियम है हमारे यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं हमारे किसानों को उनको इस इंश्योरेंस कवरेज के थ्रू यहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि उनके जो भी कैलेमिटीज और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होंगे उसमें इसको कवर किया जाएगा यहाँ पे साथ ही साथ जो पर हेक्टेयर पे एवरेज सम इंश्योर किया जाता था वो पहले पंद्रह हज़ार सौ रुपये करीब हुआ करता था जो कि अब फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ सेवन हंड्रेड करीब कुछ आता है इसी के साथ पीएम किसान स्कीम ये हम सब जानते हैं एमपी में इसके लिए जैसे भावंतर भुगतान योजना आपने सुना होगा फिर आपने तेलंगाना में रिवतु बंधु सुना होगा फिर आपने कालिया स्कीम सुनी होगी ओडिशा की जिन सब में जो है वो अपने फार्मर्स को कुछ बेनिफिट ट्रांसफर देती है डायरेक्ट बिल्कुल उसी तरह ये स्कीम जो है ये सेंटर की स्कीम थी किसान सम्मान निधि जिसमें इस स्कीम के थ्रू छः हजार रुपये साल भर में दो दो हजार रुपये करके तीन किस्तों में सरकार देगी ये स्कीम जब से शुरुआत हुई है इट हैज़ रीच टू एन अमाउंट ऑफ वन पॉइंट वन लैख करोड़ खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था मगर हाँ ये तीन स्कीम अपार्ट फ्रॉम पी किसान आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है जो भी हमने स्टेट्स की पढ़ी उसके बाद हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं अलाइड सेक्टर एनिमल हसबेंड मतलब अलाइड सेक्टर में एनिमल हसबेंड्री डेयरी और फिशरीज का किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा तो नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जो लाइफ स्टॉक का कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में ये कॉन्स्टेंट प्राइस से अगर हम देखें तो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी तो जो कि एक अच्छी बात है वहीं लाइफ सेक्ट, स्टॉक सेक्टर का अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो ये आज की तारीख में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है फोर हमारे टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन का यहाँ पे मिल्क का इंडिया आज भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे हम हमारे लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएं मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क की वो है फोर हंड्रेड ग्राम्स पर डे इसी के साथ ये ट्रेंड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आप देख सकते हो जो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है राइट इसके साथ अगर हम यहाँ पे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन और प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है वो एग प्रोडक्शन में थर्ड रैंक पे स्टैंड कर रहा है राइट right? ये रैंकिंग हमसे किसी किसी ना किसी फॉर्म में पूछी जा सकती हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम एग प्रोडक्शन की बात करें इट वॉज फाइव परसेंट नियरली ड्यूरिंग टू थाउजेंड मगर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये सीधा डबल हो चुकी है टेन ग्रोथ तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे आप देख भी सकते हो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ दोनों आपको ग्राफ पूरे अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिल रहा है फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर में अगर हम रिसेंट इनिशिएटिव देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे सप्लाई साइड शॉक्स लगे थे जिस कारण से मिल्क प्रोक्योरमेंट फार्मर्स का रुक गया था तो यहाँ पे अपना जो दूध है वो फार्मर्स ने डाइवर्ट कर दिया था टू द कोऑपरेटिव यहाँ पे अब कोऑपरेटिव का एक मैंडेट है कि वो किसी भी सप्लायर को आई I मीन mean, किसी भी फार्मर को जो उसको मिल्क सप्लाई कर रहा है उसको मना नहीं कर सकते तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि कोऑपरेटिव अगर मना नहीं कर सकती तो उनको फार्मर्स को पैसा भी देना पड़ता मिल्क प्रोक्योर करने के लिए उनका तो यहाँ पे उनको लिक्विडिटी क्रंच की प्रॉब्लम फेस हुई और हमारी गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि क्योंकि टी स्टॉल स्वीट शॉप जितनी भी चीज़ें हैं प्राइवेट डेरीजें सब बंद है तो कॉपरेटिव के पास में अब फार्मर्स जाएगा तो एज अ वन टाइम सपोर्ट एक सब स्कीम के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन उनको प्रोवाइड कर दिया किसको स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ टू परसेंट पर एनम जिससे कि इनका जो फाइनेंशियल क्रंच है उसको फुलफिल किया जा सके इसी के साथ अगर हम एनिमल हजबेंड्री की बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हमारी सरकार अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान लेके आती है जिसका स्टिमुलस पैकेज पंद्रह हजार करोड़ रुपए का है इस एनिमल हजबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स प्राइवेट कंपनीज जो हैं इंक्लूडिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टैब्लिश कर पाए ताकि इस वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टैब्लिश करने से जो बैकवर्ड लिंकेज है और जो फॉरवर्ड लिंकेज है ये अपने आप काम करना शुरू कर देगा यहाँ पे गवर्नमेंट अगेन इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर रही है तीन परसेंट का दो साल का मॉरेटोरियम भी दे रही है बट अगेन ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एक क्रेडिट गारंटी फंड 750 करोड़ रुपीस का बनाया जा रहा है जो कि मैनेज किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा और जैसा कि ये जो फ़ंड है ये क्रेडिट की गारंटी ले रहा है तो एग्जैक्टली exactly ये क्रेडिट गारंटी एक तरीके की गारंटी है जो कि सैक्शन प्रोजेक्ट्स पे प्रोवाइड की जा रही है अंडर एम तो क्योंकि ये गारंटी प्रोवाइड की जा रही है तो क्या होगा कि अब जो लोन डिसबर्स होगा वो ज़्यादा फास्ट मैनर में हो पाएगा इसके बाद नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की है कि फूट एंड माउथ डिजीज और ब्रिसोलोसिस जो है इसको हम वैक्सीनेट करेंगे सारी कैटल्स बफेलो शी गोट पिक पॉपुलेशन राइट फिर यहाँ पे हम फिशरीज सेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो इनलैंड फिशिंग है वो ज़्यादा होती है बजाय कि कोस्ट से तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम इस एरिया को जो हमारा सेवन फाइव वन सिक्स किलोमीटर का एरिया उसको हम हार्नेस कर सकते हैं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिटिंग फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है होल वर्ल्ड में अगर हम हमारे ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वी अकाउंट फॉर नियरली अबाउट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इन वर्ल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें तो ये सेक्टर जो है ये एक सस्टेनेंस इनकम प्रोवाइड करता है टू नियर अबाउट ट्वेंटी एट मिलियन पीपल इन इंडिया इसमें जो मेजोरिटी कम्युनिटी हमारे यहाँ जुड़ी रहती है वो बहुत मार्जिनलाइज और वनरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं और हमारे यहाँ के जो फिशरमैन होते हैं जैसे उनके पास बहुत सी जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी उनके पास होना चाहिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मदर वैसल ये मदर वैसल क्या होती है जो डीप सी फिशिंग करने में सक्षम होती हैं ये हमारे पास नहीं है इसी के साथ 2015-16 में पाँच साल के पीरियड के लिए हमारे यहाँ ब्लू रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया था राइट ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों का इसमें प्रोपोर्शन था इसका आउटले था थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीस का जिसके थ्रू हम फिशरीज सेक्टर में एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सिबल और होलिस्टिक डेवलपमेंट मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे हालांकि आज की अगर हम बात करें तो जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू फिशर्स और फिश फार्मर्स को एडिशनल यहाँ पर हमने फंड डिवॉल्व करने की कोशिश की है ताकि ये अल्टरनेटिव इनकम अपनी यहाँ से जनरेट कर सकें यहाँ पे एक डेडिकेटेड फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जा रहा है जिससे कि इस सेक्टर को अगेन इंफ्रास्ट्रक्चरली स्ट्रेंदन किया जा सके हमारी गवर्नमेंट एक नई फ्लैगशिप स्कीम लेके आई है यह आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मे 2020 में इसको लॉन्च किया गया था कि हम फिश प्रोडक्शन को 220 लाख एंड मेट्रिक टन तक कर लेंगे बाय 2024-25 मतलब कि इसको करने के लिए हमें ऑन एन एवरेज 9 परसेंट की ग्रोथ रेट अचीव करनी होगी इस स्कीम में हमने एक और एम्बिशस ऑब्जेक्टिव अपने साथ रखा है एम रखा है कि वी विल डबल एक्सपोर्ट अर्निंग जो हम करते हैं इससे डेट इज वन लाख करोड़ रुपीस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसके थ्रू हम जनरेट कर पाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ पीएम एम मत्स्य योजना के बारे में चीजें पता होनी चाहिए थी अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करें एग्रीकल्चर में तो हम जानते हैं कि इसका सबसे प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट और गाइड करता है और उस पर रिसर्च करता है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम जो है ये किसकी लीडरशिप में लॉन्च किया गया है तो ये किया गया है आई के द्वारा राइट इसी के साथ यहाँ पे बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को जो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा उसको आई ने लॉन्च किया है तो यहाँ पे आपको बायो फोर्टिफाइड या बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए तो दोस्तों बायोफोर्टिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जैसे यहाँ पे सीड लिखा हुआ है जैसे क्रॉप्स हम यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स तो इन फूड क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जाता है राइट और वो कैसे किया जाता है जो विटामिन होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं उसकी डेंसिटी को बढ़ा के इधर थ्रू कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग या फिर किसी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से फिर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार का इकोनॉमिक सर हमारे साथ डिस्कस कर रहा है डेट इज अबाउट द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जैसे कि हम सब जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की तरह काम करता है ताकि यहां पे हम वैल्यू एडिशन कर पाएँ हमारे प्रोडक्ट्स में ये इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है अब यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम ड्यूरिंग लास्ट फाइव इयर्स का एक डाटा देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ टेन परसेंट अप्रॉक्सिमेटली अचीव कर चुका है एज कंपेयर टू जो हम अभी एग्रीकल्चर में डेट इज थ्री पॉइंट वन टू परसेंट और मैन्युफैक्चरिंग में एट पॉइंट टू फाइव परसेंट की देख रहे थे ग्रोथ रेट उसके मुकाबले हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रहा है राइट right? तो एक इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट उभरता हुआ दिख रहा है हमें जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आगे चल के हमारी जी में एज ऑफ नाउ ये सेक्टर लगभग 9% परसेंट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन करता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम 2018-19 की बात करें और बेस ईयर मान लें 2011-12 के प्राइसेस को यहां पे आप देख भी सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की रेड में आपको दिखा रहा है ग्रोथ राइट right? तो यहां पे हमें कुछ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के इनिशिएटिव्स भी पता होने चाहिए जैसे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइसिस का फॉर्मलाइजेशन करना ये भी हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू लॉन्च किया है थ्रू अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के नाम से हमने इसको लॉन्च किया है जिसका टोटल आउटलेट टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का है इस स्कीम में बेसिकली हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अप्रोच को ताकि एक बहुत लॉन्ग स्केल पे हम किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पाएँ और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाएँ अब ये जो जिम्मा दिया गया है ये स्टेट को दिया गया है कि वो ऐसे एक फूड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करे पर डिस्ट्रिक्ट कीपिंग इन व्यू कि जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स हैं वो वहां पे ऑलरेडी डेवलप्ड हो या अवेलेबल हो तो यहाँ पे बेसिकली एडवांटेज क्या होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बहुत ही आसान सी बात है समझना कि एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा कि एक ही प्रोडक्ट उगा रहे हो उसको अगर आपको मार्केट करना है उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो अलग अलग चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत आसानी से हो पाएगी राइट तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस थे खैर, अब क्योंकि दोस्तों हम यहां पे बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में तो यहां पे हम इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे जैसे फूड प्रोसेसिंग क्या होती है तो फूड प्रोसेसिंग में बेसिकली इंक्लूड होती है किसी ना किसी तरीके की प्रोसेस ये ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो रॉ प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है किसी ना किसी फाइनल प्रोडक्ट में राइट right? अब ये जो रॉ प्रोडक्ट है किसी से भी बिलोंग कर सकता है ये हो सकता है कि कोई डेयरी का प्रोडक्ट हो जैसे मिल्क हो सकता है ये एनिमल हजबेंड्री का प्रोडक्ट हो हो सकता है ये मीट हो इट कैन बी एनी थिंग राइट अब इसमें अगर हम एडिशन कर दें कुछ एंप्लॉइज का मतलब कुछ लोग अपना श्रम दें इसमें हम एडिशन कर दें पावर का इसमें हम एडिशन कर दें मशीन्स का राइट इसमें हम एडिशन कर दें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको आसान भाषा में हम मनी समझते हैं तो ये, ये जो रॉ मटेरियल है इसके ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर लेगा राइट और इसमें क्या हो जाएगा इसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा और जब इसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी वो बढ़ जाएगी तो फाइनली हमने समझा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो कमर्शियल वैल्यू है वो प्रोडक्ट की बढ़ जाती है और इसी कारण से इसको वैल्यू एडिशन हम लोग कहते हैं अब अगर हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की बात करें इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है इट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसके बाद में जो हमारा संकल्प है ट्वेंटी ट्वेंटी तक डबलिंग फार्मर्स इनकम ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने फिर रिड्यूस माल न्यूट्रिशन क्योंकि जो प्रोसेस फूड होता है इसको हम अभी हमने पढ़ा था ना फोर्टिफिकेशन फोर्टिफाइड कर सकते हैं हमारी इच्छा के अनुसार जो भी विटामिन मिनरल्स हम ऐड करना चाहते हैं राइट उसके बाद में जो फूड वेस्टेज है जो हमारे यहाँ पे फूड वेस्ट हो जाता है उसको रोक सकते हैं हम अगर हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी डेवलप हो जाएगी तो दोस्तों क्या होगा हमारे यहाँ पे आज जो वेयर हाउस अवेलेबल नहीं होते हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे कोल्ड चेन जो अवेलेबल नहीं होती हैं वो अवेलेबल हो पाएंगी तो जो हमारा फूड प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है वो नहीं होगा राइट right. तो फूड वेस्टेज नहीं होगा और दूसरा फूड प्रोडक्शन में वेल्यूडेशन भी होगा और यूनाइटेड नेशन का एक एस्टिमेट मुझे याद आ रहा है उसने बोला है कि 40 परसेंट हमारा प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट हो जाता है ठीक है नीति आयोग ने भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट बताई है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो होते हैं इट इज़ नियर अबाउट नाइन्टी टू नाइन्टी करोड़ रुपीज़ इन आर कंट्री तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है इसी के साथ हम बाहर का ट्रेड बढ़ा सकते हैं जिस कारण से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आएंगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ठीक है अब क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो यहां पे लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और लोकलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं तो हम जानते हैं हमारे यहां पे माइग्रेशन भी एक प्रॉब्लम है तो ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी हमारे यहां से दूर हो सकती है इसी के बाद जैसा हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखने को हमको मिलेगा राइट तो ये कुछ बातें थी इसके अपार्ट हमारे पास कुछ और भी बातें हैं करने के लिए और रिगार्डिंग वो बात रहेगी इसके स्टेटस से ठीक है तो इसका स्टेटस क्या है तो जैसे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये आपको ध्यान रखना है अगर हम हमारे प्रोसेसिंग की बात करें हमारे पास इतना बड़ा प्रोडक्शन बेस होने के बाद भी जो हमारा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है इट इज़ नियरली अबाउट टेन परसेंट ओनली तो यहाँ पे हमारे एक लैक्यूना देखने को मिल रहा है मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट right? अगर हम बात करें फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तो दो परसेंट फ्रूट की अगर मैं बात करूँ वेजिटेबल्स में एट परसेंट मिल्क का सिर्फ थर्टी फाइव परसेंट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क अभी हमने देखा था और पोल्ट्री का सिर्फ सिक्स परसेंट हम लोग प्रोसेस कर पाते हैं इसका मतलब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है राइट इंडिया की अगर लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जहाँ पे 50 परसेंट वर्ल्ड बफेलो हमारे यहाँ पे है 20 परसेंट कैटल हमारे यहाँ पे ठीक है मगर प्रॉब्लम क्या फेस करता है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री की सेवेंटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ पे वो दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अब इससे क्या प्रॉब्लम है इससे ये प्रॉब्लम है कि इनको क्रेडिट फैसिलिटी लेने में प्रॉब्लम आती है तो इसी कारण से हमारी गवर्नमेंट इसका फॉर्मोलाइसन करने में लगी हुई है तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मोलाइशन किया जा रहा है जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे यहां पे हैं जिनको अपग्रेडेशन की जरूरत लग रही है उनके लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी हमारी सरकार लेके आई जहां पे 35 परसेंट एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो जिसमें मैक्सिमम सीडिंग लगाई हुई है दस लाख रुपए पर यूनिट वो देगी सीड कैपिटल मतलब शुरू करने के लिए फोर्टी फाइव पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को प्रोवाइड किए जाएंगे एज वर्किंग कैपिटल और अगर कोई छोटे टूल परचेस करना चाहते हैं तो साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को क्रेडिट लिंक ग्रांट दिया जा रहा है थर्टी का एलिजिबल प्रोजेक्ट पर ठीक है तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें ला हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है लैब्स वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज पैकेजिंग इनके इनक्यूबेशन सेंटर्स थ्रू एफपीओ, पी ओ एस एच जीज कोऑपरेटिव्स खोले जाए हमने ऑलरेडी ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बात करी थी जहां पे हमने देखा था कि जो टोमेटो ऑनियन पोटैटो से बढ़ के यहाँ पे सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको भी इंक्लूड किया गया है राइट right? ये एक शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर स्कीम है इसी के बाद बहुत सारी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेके आई है नवंबर 2020 में 10 से की सेक्टर से में, में ये स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी आता है इसको लेके आइए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये एक अम्ब्रेला स्कीम है डेट इज़ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है इसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट स्कीम्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया है जैसे मेगा फूड पार्क खोलना इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स डेवलप करना बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलप करना एक्सपांड करना फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज को तो यहां पे आप देख भी सकते हो कि कितने मेगा फूड पार्क के प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुके हैं इट इज 37 और ऑलरेडी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स में 21 है राइट ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है रिगार्डिंग द मेगा फूड पार्क स्कीम तो मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो जो ये मेगा फूड पार्क की दोस्तों स्कीम है इसका सबसे पहले तो आपको एम पता होना चाहिए इसका एम है कि ये लिंक प्रोवाइड करना चाहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मार्केट के बीच में राइट right? बेसिकली क्या होगा जैसे मेगा फूड पार्क हमने डिजाइन किया इसके नियर बाय जितने भी फार्मर्स हैं वो सब एक ही प्रोडक्ट को बनाए और यहां पे अपने प्रोडक्ट को लाके सेल कर दें तो जिससे फार्मर का भी बेनिफिट होगा और यहां पे हम एक्सपोर्ट लेड प्रोडक्ट्स भी बना पाएंगे राइट right? या फिर डोमेस्टिकली कंज्यूम भी करवा सकते हैं हम इन प्रोडक्ट्स को ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको बोला जाएगा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच और यहां पे हम अपने हिसाब से स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल स्पेशल पर्पस व्हीकल ये बेसिकली एक बॉडी होगी कॉर्पोरेट बॉडी जो रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आप ध्यान रखिएगा यहां पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो एंटिटीज हैं कोऑपरेटिव जो हैं दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेपरेट स्पेशल पर्पज व्हीकल मेगा फूडर पार्क प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट right? तो इस मेगा फूड पार्क में सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा कलेक्शन सेंटर्स होंगे और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि ओवरऑल बेनिफिट दे पाए ये कुछ चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए थी तो दोस्तों दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर होप यू लाइक दिस मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसमें बहुत चीजें सीखी होंगी समझी होंगी अगर हम कॉमेंट में जरूर बताइएगा ऑल्सो इफ एफ एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक फील फ्री टू आस ऑल्सो अगर आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है यू कैन विजिट टू आर टेलीग्राम चैनल इन दी एंड कीप शाइनिंग हैव अ गुड डे थैंक यू फॉर एयरिंग अस